राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एट द रेट गरिमा मिश्रा ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो आज का हमारा ब्लॉग है बृहस्पति देव यानी कि विष्णु भगवान का, और आज है गुरुवार। तो बस हम यहाँ पर व्रत रहते हैं, तो ये हमारी सुबह की पूजा है। और बस यहाँ पर एक्चुअली ये मैंने दुकान पर जो भगवान रखे थे, बस ये वहीं के मतलब दर्शन हैं। और एक्चुअली क्या है ना कि मैं हर बृहस्पतिवार व्रत रहती हूँ तो मंदिर जाती हूँ, लेकिन आज एक्चुअली ऐसा हुआ कि थोड़ा टाइम हो गया था और कुछ गेस्ट आए हुए थे तो मैं जा नहीं सकी। और बस ये शाम मतलब सुबह के दर्शन हैं और पूजा कर चुकी हूँ मैं। और ये देखिए मैंने दीप भी प्रज्वलित कर दिया है और ये भगवान को भोग लगाया है मैंने। और ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल हैं और ये देखिए विष्णु जी की मूर्ति। और ये हमने गाय बच्चे लिए थे, ये शिवालय गई हुई थी तो बस वहीं से लेकर मैं आई थी। ये फेंग शुई के कछुआ और उसका बाउल है। तो बस इतना ही मतलब मैंने ये मेरे जो गणेश लक्ष्मी हैं, जब मैंने शॉप मतलब ओपन की थी तभी लाई थी, तब से मैंने इनको विसर्जन नहीं किया है और बस इन्हीं की मैं पूजा करती हूँ। तो बस ये देखिए मेरी पूजा हो चुकी है और बस हे गुरु विष्णु भगवान, आप सब मैं यही दुआ करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। और हमेशा कभी भी जब तक मतलब हैं हम सब तो निरोग ही रहें, रोग ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा धन वही है हम सब के लिए। और तो बस ये हम आ चुके हैं। सुबह हमने मतलब खोया जो कल का जो मेरा व्लॉग था उसमें आपने देखा था कि मेरे साथ गैस में थोड़ा सा दूध वगैरह मतलब बॉयल हो गया था, गिर चुका था। और ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा केसर डाल दिया है और इसीलिए मैंने ये यहाँ पर दूसरी कढ़ाई को मतलब चढ़ा करके रखा है। और ये मैं यहाँ पर उसको अच्छे से चला लूँगी। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध मम्मी बोली थी तो थोड़ा सा दूध इसमें और डालूँगी। और ये देखिए मैं यहाँ पर दूध डाल दूँगी और इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, मतलब मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। और करने के बाद उसके बाद हम इसको लगभग आधे घंटे के लिए मतलब चढ़ा रहने देंगे। लेकिन हाँ, उसको चलाते रहिए क्योंकि मतलब खोया ऐसी चीज़ है कि बहुत जल्दी मतलब लग जाता है। और यहाँ पर मैं पिक्चर ले रही थी और तो बस ये सुबह का मेरा मतलब जो वीडियो मतलब क्लिप है ये मेरी सुबह की। सुबह मैंने इतना किया था और ये मैं यहाँ पर इलायची छील रही हूँ और छीलने के ये देखिए मैंने दिखा दिया। और मैंने एक्चुअली क्या है ना, 8 की स्पीड में लगाया है तो काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहा है। मेरे देखिए एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर उसको अच्छे से पीस लिया था और ये मैं उसको थोड़ा सा क्लीन करके अब यहाँ पर मैं जा रही हूँ एक बॉल में थोड़ी सी 2 कप चाय बनाने के लिए। एक्चुअली मेरा फास्ट है तो बस चाय और मखाने ही मैं सुबह टाइम लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने मतलब चाय रख दी है और यहाँ पर मैं अदरक अच्छे से ग्रेट करके डाल दी हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर हम उसको अच्छे, एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ी थोड़ी देर में उसको चलाते रहना होता है। अगर हम उसको नहीं चलाएंगे तो वो मतलब नीचे थोड़ा सा मतलब जल टाइप जाता है और मतलब खोया मेरा जितनी मैंने शुरू से मेहनत करी है वो सब बेकार चली जाएगी। तो बस यहाँ पर हम 1 कप और 1 ग्लास लाए हैं क्योंकि फास्ट हैं तो हम मतलब कप में नहीं पियेंगे। तो बस यहाँ पर एक्चुअली मेरे पास इस स्टील के कप जो हैं वो थोड़ा सा ख़राब हो चुके हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पर साथ में एक्चुअली मम्मी ने कपड़े वॉश किए थे, वॉशिंग मशीन
मतलब कल हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक्चुअली हम लोगों ने वॉशिंग मशीन में सारे पुराने गंदे कपड़े डाल दिए और बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि आज मतलब गुरुवार है और मम्मी ने सुबह मतलब शाम को ही कपड़े डाल दिए थे उसमें। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर गीले कपड़े आप मतलब रख देंगे बाल्टियों में तो थोड़ा सा स्मेल सी अजीब आती है, तो उनको धोना मजबूरी हो गई हमारी। वैसे हम लोग बृहस्पतिवार को ना ही पोछा लगाते हैं और ना ही हम मतलब कपड़े धोते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस दिन जितना कम मतलब वो करें सफाई उतना बेटर होता है, ऐसा बताते हैं। और तो हम लोग यहाँ पर जब मतलब नहाते भी हैं तो हम लोग यहाँ पर साबुन नहीं यूज़ करते, केवल वाटर से मतलब नहा लेते हैं। ये देखिए मेरे सारे कपड़े फैल चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। एक्चुअली क्या है ना कि सुबह ऊपर जो है ना छत पर इतनी धूप आती है कि हम नहीं ऊपर फैलाते। उसी बीच में हमारी यहाँ पर सब्जियाँ आ चुकी थी, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लौकी और थोड़े से टमाटर, थोड़े क्या 1 किलो 2 किलो टमाटर हमने मंगाए थे, और ये धनिया। और एक्चुअली कल मैं दो चीज़ भूल गई थी, एक मैं झंडा नहीं लाई थी, अनार ये मंगाया था मैंने, और जो ऊपर मतलब छत पर जो झंडा लगता है पहले दिन वो नहीं लाई थी, भूल गई थी। और मम्मी को कुछ कम लग रहे थे ये सुपारी और जौ, तो उन्होंने मंगाया। ये शाम का हमारा दृश्य है पूजन का, यहाँ पर हम कथा पढ़ेंगे। और एक्चुअली पढ़ेंगे नहीं, मेरी किताब ना थोड़ा सा डैमेज हो गई, तो बस इसीलिए मैं हर बार बोलती हूँ कि लेकर के आऊँगी, लेकिन माइंड से स्लिप हो जाता है, भूल जाती हूँ, अब की बार ज़रूर लाऊँगी। तो बस ये यहाँ पर मैंने कुछ पॉकेट मनी मतलब वो करी थी, तो मैंने जो भगवान का डब्बा होता है उसमें हमने इसको स्टोर कर दिया था। और ये देखिए, और इसके बाद अब हम यहाँ पर उसको रख देंगे और बस अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर धूप जलाने के लिए हमने रख दी है, और ये अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। उसमें बाती डाल दिए, थोड़ा सा घी डाल देंगे। एक्चुअली माफ़ करिएगा, ये जो कैमरा का साइड मतलब लगा हुआ है उस तरफ से, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे लेफ़्ट हैंड से मैं कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं कर राइट हैंड से रही हूँ, बस ये कैमरे के कारण ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया है, और यहाँ पर मम्मी कुछ पूछने आई थी तो वही बस मैं बता रही थी। और यहाँ मैंने सभी भगवानों को धूप दिखा दिया है, अब यहाँ पर मैं कथा सुन रही हूँ, तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। Oh,
यहाँ पर हमारी पूजा पूर्ण हो चुकी है और हम यहाँ पर मतलब माथा टेक रहे हैं और क्षमा याचना कर रहे हैं। अगर हमसे कोई भगवान गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। और आज का हमारा व्रत संपन्न हुआ और बस यहाँ पर अब हम हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा याचना करने के बाद हम जाएंगे ऊपर। अब हम ऊपर जा रहे हैं और हमें अब एक्चुअली क्या होता है ना कि इसमें एक टाइम मतलब खाना खाया जाता है। खाना क्या, परेठे और गुड़ चना की दाल। और मतलब आप, हम तो शुरू से चने की दाल और गुड़ से ही व्रत को मतलब तोड़ते हैं। तो बस यहाँ पर हम अपने लिए थोड़ा सा आटा सानेंगे और सानने के बाद इस यहाँ पर दो ठो परेठे बनाएंगे, एक माँ गौ माँ के लिए और एक दो अपने लिए। बस उसके बाद हम मतलब फिर चाय, एक लोग आए हुए हैं तो उनके लिए चाय भी यहाँ पर बनाएंगे और बस बाकी नाइट रूटीन हमारा चलता रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम थोड़ी देर में। यहाँ पर जो अब हमारा व्रत का खाना है वो हम ग्रहण कर लेंगे। और इसको एक्चुअली क्या होता है ना कि आसन बिछा करके और एक ही जगह बैठ करके जितना खाना है बस उतना खा लीजिए। और जो चने की दाल और गुड़ होता है वो पूजन से जहाँ पर हम सुबह रख के आते हैं बस वही हम उसी से हम अपना व्रत तोड़ते हैं पहले। तो बस यहाँ पर हमारा मतलब खाना चल रहा है और ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी खा रहे हैं। एक्चुअली 8 की स्पीड पे लगा दिया है वीडियो तो बस इसीलिए इतना फास्ट हो गया है। तो कैसा लगा आज का हमारा ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ हाँ कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि कमेंट से हमको जो हमारी गलतियाँ होती हैं उसका मतलब हमें सुधार करने का मौका मिलता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा मतलब कोई अगर मतलब हमसे वीडियो में कोई गलती हुई है तो उसको आप बताइए
कि मतलब आपने ये गलती की है या अच्छा किया है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। राधे राधे दोस्तों।